पत्तल उद्योग का साम्राज्य खड़ा करने में अगर किसी का जिक्र होगा तो जीआरएस पत्तल उद्योग का नाम जरूर आएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और जीआरएस पत्तल उद्योग में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनुप्रिया जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुप्रिया जी बिहार स्टोरी में। नमस्ते सर, बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी जी। और मुलाकात करने का पर्पस ये था कि हर समय अपने आप को अपग्रेड करते रहना ना सिर्फ कारोबार वालों का काम है बल्कि जो लोग कारोबार देते हैं उनका भी काम है। तो आज इसी कड़ी में जीआरएस पत्तल उद्योग में ये एक नई मशीन आई हुई है जो एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा इसकी क्षमता है और बहुत सारे विशेषताओं के साथ ये मशीन यहाँ पर अभी चलाई जाएगी, जिसका लाइव डेमो भी हम लोग करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल हम अनुप्रिया जी से पूछते हैं कि ये जो पेपर प्लेट की मशीन है इसमें क्या खास है? ये तो सर हाइड्रोलिक मशीन है जी। ये आपको 32 इंच का इसका ये बेलन है। अच्छा, बेलन इसकी 32 इंच की है। 32 इंच का बेलन है इसका। नॉर्मल ऐसे क्या होती है? ऐसे नॉर्मल तो आपको वही 16 इंच का आता है। अच्छा, ठीक है। एक हाइड्रोलिक में से दो बेलन रहता है, बट इसका पूरा बेलन 32 इंच का है। तो इसमें आप बड़ा डाइक दो चला सकते हैं जी। बेलन जो बता रही है दोस्तों, थोड़ा सा अनुप्रिया जी जरा टेक्निकल दिखा दे थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पे ये बेलन हो गया तो 32 इंच होने से इसमें दो रोल एक साथ आप काट सकते हैं। जी जी, दो रोल भी काट सकते हैं और स्टैंड बढ़ा के आप 4-3 ऐसे भी काट सकते जी, हैं। जी, क्योंकि बेलन अगर छोटा रहेगा तो फिर खेल खत्म। हाँ, ये बेलन का इसका कमाल रहता है। जी जी जी, बिल्कुल। और अनुप्रिया जी, इसको ऑन भी किया जाए क्या थोड़ा सा? हाँ, चूंकि लगा हुआ है तो इसको कैसे, यहाँ के जो टेक्निकल है थोड़ा सा इसको ऑन कर दें। तो भाई ये मशीन जो है बढ़िया तरीके से काट रही है। कुछ सवाल जो है अनुप्रिया जी से हम करेंगे कि अनुप्रिया जी ये बता दे कि ये जो प्रेशर है जी, ये बता दे कितना है इसका? ये आपको प्रेशर 20 टन का है। 20 टन का जी, है। तो पिछली जो मशीन है और इस मशीन में क्या अंतर है? उसका हाई 3 इंच का रहता है जी। इसका डायमीटर कितना है? इसका आपको 4 इंच का है। 4 इंच का है जी। अच्छा अनुप्रिया जी, ये जो पैनल है मैं काफी बड़ा देख रहा हूँ, तो पैनल का भी जरा बताएं कि पैनल जो है इसमें और बिना चेन वाली में क्या डिफरेंस है? ठीक है सर, हम आपको इसको खोल के दिखा रहे हैं। ठीक है, हम देखिए ये पैनल में आपको टाइमर और रिल्स लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट स्विच भी है, सेंसर भी लगा हुआ है इसमें। और जो चैन वाली जो मशीन है उसका पैनल हम एक बार दिखाना चाह रहे हैं जी। यानी कि ये काफी मॉडिफाइड पैनल है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज है, रिले है, ऑटो कट है। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई टेक्निकल मिस्त्री ही बताएगा। तो ये हो गई इस मशीन की। अच्छा, पुराने वाले मशीन में आइए देखते हैं पैनल। तो पुराने वाले मशीन के ये पैनल है जी। पुराने वाले मशीन के देखिए ये पैनल है। इसमें देख सकते हैं दिखने से ही आपको साफ ये अंतर पता चल जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज जो है गायब है नहीं है। यानी कि निसंदेह जो पुरानी वाली मशीन थी और जो नई वाली अपग्रेड वर्जन है उसमें बहुत सारी चीजों का बदलाव किया गया है। और सबसे जो बड़ा चीज बदलाव किया गया है वो है चेन सिस्टम को कम्प्लीटली हटा दिया गया है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। वो परेशानी होती थी हमेशा आपको जब आप डाई बदलते थे, साइज बदलते थे, तो वहां से क्या होता था कि चेन निकल जाता था, कभी कभी जो होता था उसमें एक्सीडेंट्स भी होने का खतरा रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये बहुत सेफ और सिक्योर है, यही जो है इस मशीन की खासियत है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इस मशीन की? सर ये पैनल वगैरह सबका हेवी इसका दिया हुआ है। जी जी, यहाँ पे और कुछ हेलमेट्स मुझे दिखा रहे हैं। ये जो मोटर है ये क्या चीज है? ये आपको गियर है। अच्छा, ये गियर के लिए? हाँ, गियर के लिए मोटर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, इससे आपको पता जो भी आपको रोल घिसता है ये आपको बहुत अच्छा से घिंचेगा, छोटा बड़ा भी करने के लिए यहाँ इसमें सिस्टम दिया हुआ है जी। आपको पेपर अच्छा से घिंचेगा जी। मतलब चेन वाली और गियर वाली में यही अंतर हो गई कि चेन वाले में बार बार वो नट बोल्टू कसना पड़ता था साइज के हिसाब से। जी, जी, जी। अब ये क्या कि ऑटोमेटिक हो गया, आप पैनल से स्विच कर जाइए। हाँ, और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही आराम से काम होता है। आराम से काम होता है। अच्छा, तो ये एक सहूलियत हो गई। ये दो ब्लोअर लगे हुए हवा के लिए। हवा के लिए। और क्या बेसिकली बदलाव हुए? इसमें चैन सिस्टम जो रहता है वो आपको बार बार टूट भी सकता है, फंसता भी बहुत है, लेकिन ये सब इसमें गियर वाले में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसानी से ये मशीन चलेगा जी। अच्छा, ये जो है जो मोटर जिस पर ये काम कर रही है ये कितने एचपी की लगी हुई है? ये 2 HP का है, गोदरेज। अच्छा। का मोटर लगा हुआ है। और ये भी गियर जो है वो मोटर ये भी गोदरेज का लगा हुआ है। मेरा जो भी इसमें है सारा कुछ ये मनी ब्रांड है। अच्छा, ये जो रोल अभी काट रही है जी, तो ये एक्चुअली कितने, एक घंटा में कितने ये प्लेट्स निकालेंगे? ये आपको 6000। 6000 जी जी, 6000 मतलब 3000। आप रोल भी बढ़ा सकते हैं जी जी। अभी तो मैं 2 रोल लगवाई हूँ जी,
जी, और ये नई मशीन है, ये कोई पुरानी मशीन नहीं है, अभी टेस्टिंग ही हो रही थी जी, मैंने डेमो के लिए थोड़ा चला दिया है। अच्छा अनुप्रिया जी, इसमें अभी हम देख रहे हैं कि पीछे से दो रोल जो है कट रही है जी, जी। और इसमें क्या अगर दो दो करके चार रोल चलाएंगे तो क्या काम करेगा? जी जी आराम से काम करेगा सर, चार रोल भी काट सकते हैं जी। इसका प्रेशर भी 20 टन का दिया हुआ है और दो रोल इधर भी लगा सकते हैं, तीन तीन भी लगा सकते हैं। हम तो अभी दो लगाए हुए हैं ये स्पेस के वजह से, अगर स्पेस रहता तो हम ज्यादा लगा के आपको डेमो दिखा देते। कि पत्ती वाली जो पेपर प्लेट है तो चाहे तो प्रोडक्शन फिर बढ़ जाएगा, 12,000 हो जाएगी। जी 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 बढ़ जाएगा। और इसका देखिए क्वालिटी कितना हैवी है सर जी, बहुत हैवी क्वालिटी ये काटता है। ये जो BOPP लगा हुआ है इसको कौन सा पेपर बोलते हैं? ये आपको केला पत्ता हो गया। केला पत्ता हो गया। इसमें कितने क्वालिटी आती है? इसमें आपको बहुत सारा साल पत्ता आता है, उसके बाद ये सगमान का आता है, बहुत सारी क्वालिटी। और GRS पत्तल तो सुना है कि आप लोग रॉ मटेरियल में भी अच्छा डील करते हैं। हाँ जी, रॉ मटेरियल मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे आपको जी, चैन वाली मशीन एक बार आप देख लीजिए। अच्छा हाँ दिखाइए, यहाँ पर चेन वाली भी मशीन है जो पुरानी मशीन है, और वो भी अच्छा काम करती है, लेकिन चेन वाली मशीन का ये जो है अपग्रेड वर्जन हुआ। अगर कुछ पैसे आप अधिक खर्च करने की हिम्मत रखते हो तो शायद ये उनके लिए, जिनके पास कम पैसे हैं उससे काम चला सकते हैं। इससे काम चला सकते हैं, जैसे मार्केट में लोग बेच रहे हैं जी, हम लोग भी कस्टमर को देने के लिए जिसके पैसा कम है, बजट कम है, उसके लिए हम ये मशीन रखे हुए हैं जी। कस्टमर को समझ में आएंगे, पैसा लगाएंगे तो ये मशीन हैवी है, सबसे अच्छा क्वालिटी है। अच्छा अनुप्रिया जी, चेन वाली जो मशीन है और ये नई मशीन है, इन दोनों में प्राइस का क्या अंतर हो जाता है, बजट में क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, 20,000 का सिर्फ डिफरेंट है। अच्छा जी। तो उसकी क्या प्राइस पड़ती है? 95,000। अच्छा, और इसकी वो 20,000 ज्यादा है? हाँ, इसका 20,000 ज्यादा है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा तो एक बार इसमें हम लोग ये काट के दिखाएं जो बफे प्लेट है। हाँ, क्यों नहीं? काटने का एक्सपीरियंस है आपको? किसी से कटवाना पड़ेगा? काट देंगे। तो दोस्तों बड़ा ही इसमें स्मूथली काम हो रहा है और सेटिंग्स वगैरह बहुत इजी हो गया है। मतलब पहले जो है इंस्टॉल करना जितना मशीन को डिफिकल्ट होता था, ये उतना ही आसान हो गया। अब ये देखिए, और ये देखिए अनुप्रिया जी जो है काट रही है इसमें बफे प्लेट, और ये देखिए कितना बढ़िया प्लेट से बन के तैयार हुई है। वाह क्या बात है। तो ये एक्चुअली अकेले हैं, वरना इस दोनों में एक साथ जो है आप काट सकते हैं। तो अनुप्रिया जी, बफे प्लेट अगर काटना हो तो ये तो मैनुअली ही करना पड़ेगा जी, जी। अच्छा अनुप्रिया जी, ये जो प्लेट्स आपने अभी बनाया, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कैमरे पे, काफी खूबसूरत है और बहुत अच्छी फिनिशिंग है। तो ये तो आप मैनुअली अभी काट रही थी, और आप तो एक्सपर्ट भी नहीं है भाई, जो टेक्नीशियन रहेंगे तो एक साथ दो प्लेट्स काट लेंगे, फटफट काट लेंगे। ये हम जानना चाहते हैं कि अगर हम बफे प्लेट इस मशीन में तैयार करना चाहें तो एक घंटे में कितने तैयार होंगे? और एक घंटे में आपको वही 1600 तरफ। अच्छा, 1600 निकाल के दे देंगे जी, जी। अरे वाह क्या बात है। तो दोस्तों ये मशीन एक तरह से ऑल इन वन का काम करेगी। ऑल इन वन, तो सारे साइज में कटोरी हो, प्लेट्स हो, दोना पत्तल जो बोलते हैं आप, हर साइज में। और रिंकल प्लेट जो है उसके लिए क्या वो कैसे तैयार होगा? क्या इस मशीन में तैयार होगी? क्या मैनुअली ही होती है? ऑटोमेटिक तो होती नहीं, यानी कि वो भी तैयार होगी? हाँ वो भी तैयार होगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अनुप्रिया जी ये जरूर बता दें कि इस मशीन को ले जाने के बाद आपकी सर्विस और मेंटेनेंस की क्या शर्तें रहेंगी? एक्चुअली देखिए, अपने जो भी मशीन का पूरे फुल्ली पार्ट जो है एक साल की वारंटी देते हैं, जो कोई भी पार्ट हो और मोटर हो कोई भी हो, एक साल की वारंटी रहेगा। और जो मशीन फर्स्ट बार मेरा जाएगा, मैकेनिक मेरा जाएगा, इंस्टॉल करके कस्टमर को अच्छे से बता देगा, पूरे सिखा देगा, कस्टमर पूरे सीख जाएगा, वो वहाँ से हाँ कह देंगे कि हाँ मैं खुश हूँ ये मशीन चला के, या सर्विस से मैं खुश हूँ फर्स्ट बार, वो आपको हम फर्स्ट बार करते हैं। उसके बाद अगर मशीन में प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले तो हम हेल्प करेंगे उनको, कि वीडियो कॉलिंग पे उनको समझाएंगे, फ़ोन भी रिसीव करेंगे। ऐसा नहीं है कि कितना आदमी बेच लेता है उसके बाद फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाता है, बट हम लोग तो उनको फ़ोन भी रिसीव करेंगे और सर्विस भी देंगे। और पहले तो हम उनको फ़ोन पे समझाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो हम मैकेनिक भेजेंगे, बट उनका चार्ज लगेगा। ठीक है अनुप्रिया जी, आपकी बातें मैं मान रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल के दरमियान बहुत बार मशीन बिगड़ती है, और ये जो आपके मुंह से निकलता है कि हम एक साल वारंटी कवर कर रहे हैं हर पार्ट्स पे, फिर वो आपको फोन करते हैं और जब आप उसको हेल्प नहीं करते हैं तो वो फिर चारों तरफ शिकायत होती है। ये क्या मसला है? आप कितनी बार मदद करेंगे, कितनी बार आप फ्री करेंगे, कितनी बार पेड करेंगे, ये भी थोड़ा सा स्पष्ट बताइए। देखिए, एक साल की पूरे फुल्ली मशीन का वारंटी है,
अगर एक साल में अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो मेरा मैकेनिक जाएगा वहाँ पे, सिर्फ जो भी खर्च बस वगैरह जो भी आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा वो आपको मैकेनिक को करना पड़ेगा। जी जी, वो आपको देना है, सर्विस चार्ज आपको नहीं लगेगा। अच्छा, एक साल के बाद वो मैकेनिक को आपको दीजिए। हाँ, मैकेनिक जाएंगे और वो आपको समझिए, उसको पैसा देके अपना निपटाइए। जी, ये बात जो है स्पष्ट होनी चाहिए। अच्छा, रॉ मटेरियल में बता दीजिए कि रॉ मटेरियल का जो हिसाब किताब है, सारे पत्ते वगैरह जो अवेलेबल हो जाते हैं हर क्वालिटी में, हर साइज के, और आज के तारीख में ये तो फ्लक्चुएट करता है, आज के तारीख में रॉ मटेरियल के क्या भाव चल रही मार्केट में? आज के आपको 70 जीएसएम का 67 रुपया चल रहा है। 67 रुपया जी, बांग्ला मुखी का पेपर में। अच्छा, जीएसएम के ऊपर रॉ मटेरियल के चेंजेस होते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है। अच्छा, मशीन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उस पर क्या टर्म एंड कंडीशन है? जो बाहर वाले मशीन मंगाएंगे उस पर क्या चार्जेस वगैरह लेते हैं आप लोग? वो तो किलोमीटर से जाती है सर, किलोमीटर के हिसाब से जाती है। किलोमीटर के हिसाब से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये था अपडेट मुजफ्फरपुर से। ये जो लोकेशन है मैडम, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये लोकेशन आपको खबड़ा मंदिर से सीधा लदौरा वाला रोड में, दक्षिण साइड जो रोड आया हुआ है, खबड़ा मंदिर से दक्षिण साइड जो रोड आया हुआ है उसी के अंदर में मेरा 4 किलोमीटर अंदर में मेरा प्लांट है। प्लांट है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पेपर प्लेट की ही मशीनें मिलेंगी, लघु उद्योग से जुड़े हुए तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा इधर दिखाएं, आइए मैडम देखिए, यहाँ पर जो है बहुत तरह के पेपर प्लेट की मशीनें जो हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। क्रैंक वाली मशीनें भी यहाँ पे अवेलेबल है, डबल डाई, सिंगल डाई, अलग अलग टाइप की मशीनें हैं। रॉ मटेरियल्स आप देखिए, केवल रॉल्स ही भरे हुए हैं यहाँ पे। तो आप जरूर विजिट करें, मुजफ्फरपुर आए एक बार, और एक सीरियस बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। केवल वीडियो देख के आप बैठे बैठे इस मशीन के बारे में हमने जानकारी दे दी, दो चार शब्द मैडम ने क्या बता दिया, आप अच्छी से इंक्वायरी कर लें, अच्छे से आप अगर आए और भी जानकारियां लेने तो आप पर्सनली मिल लें। आप कब तक अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे? हम 10 से 5 तक रहते हैं। 10 से 5 पे जी जी। फोन पे भी आप अवेलेबल रहती हैं? हाँ, जी जी। तो फोन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और जो अगर क्वेश्चन छूट गए हो मुझसे, आप कृपया कॉल करके मैडम से इंक्वायरी कर सकते हैं और बेशक अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। बहरहाल अब वीडियो को विराम देते हैं मैडम, और भी कुछ चीजें बची रह गई तो बता दीजिए, वो फोन करके पूछ लेंगे जी सर। तो बाकी जानकारियां आप फोन पे ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई जगह पे, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मशीनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।